What we do here is go back. अगले दिन की सुबह कश्मीर के बहुत ही खूबसूरत वादियों में हो चुकी है। सुबह के बजे हैं 4 और हम डल लेक को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि हम श्रीनगर के आउटस्कर्ट में होटल लेके रुक गए थे। श्रीनगर से जैसे ही हम सुबह इंटर किए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू, थोड़ी बहुत आर्मी और बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग व्यू आसपास दिख रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। होटल से डल लेक की दूरी सिर्फ 1 घंटे की थी। बहुत सारी मूवी और बुक में देखा था कि बहुत अनोखा सा देखने में है, बट जब वहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। लेक काफ़ी बड़ा था है और सुबह के टाइम बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं होते हैं, तो आप जब भी जाएं डल लेक देखने के लिए तो ज़रूर कोशिश करें कि आप सुबह के टाइम जाएं जाके, ताकि लोग कम हो और आप पूरा व्यू का लुफ्त उठा सकें। हमने बोटिंग नहीं की क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी। Day 4 का प्लान था कि इवनिंग होते होते हम कारगिल पहुंच जाएं, और उसकी कुल दूरी थी 200 किलोमीटर। बट आप चाहो तो श्रीनगर में, मतलब डल लेक में, आप नाइट भी स्पेंड कर सकते हो बोट में, और इसकी प्राइस जो है वो सीज़न टू सीज़न डिपेंड करती है। श्रीनगर सिटी से जैसे ही हम बाहर निकले तो इतना अच्छा नज़ारा कि क्या बताऊं। ये सीन है जी, जस्ट श्रीनगर से बाहर निकल के, मतलब आप व्यू देखो, मतलब ऐसे ऐसी सीनरीज, ऐसा व्यूज़ हमें पिक्चरों में देखने को मिलता है, बट ये जब रियल में आप एक्सपीरियंस करते हो ना, तो उसका मज़ा अलग ही है, सीरियसली। उसके बाद हम रुके सोनमार्ग में। इसकी खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। अगर आप इंडिया से हो तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट करना चाहिए। देन यू गाइस विल रियलाइज़ कि हमारे भारत कितना सुंदर है। कोई भी प्लेस को देखते थे तो ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पे रुकें और शाम बताएं, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। फ्यूचर में जब भी लद्दाख आएंगे तो भाई सोनमार्ग तो ज़रूर 1 से 2 दिन ज़रूर रुकेंगे। ये मेरी, मतलब सबसे लद्दाख की ट्रिप की सबसे फेवरेट प्लेस थी।
उसके बाद हम द्रास होते हुए पहुंचे कारगिल। अगर आपको कारगिल म्यूज़ियम देखना है तो आप उसकी टाइमिंग्स चेक करके आएँ ताकि आप उसे अंदर से देख पाएँ। हम जब पहुंचे थे तो शाम के कुछ शायद 6 बज चुके थे और वो बंद हो चुका था, तो आप कोशिश करें टाइमिंग चेक करें और उसके बाद आएँ। और कारगिल काफ़ी मतलब बड़ी तो नहीं बट ठीक ठाक सिटी है, जहाँ पर आपको हर चीज़ फ्यूल पंप से लेके अच्छे होटलों से लेके सारा कुछ मिल जाता है, तो आप आराम से अपना दिन गुजार सकते हो। मतलब जब भी आप जाओ देखो तो कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं चलता ही रहता है, तो वो स्टॉप नहीं होता है कभी भी। तो गाइज़ बस इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।